सीएम साहब कपड़े वापस जा रहे हैं मेरे, दोबारा से फिर बताओ। आप कल गोरखपुर आए, कल क्यों सपना दिया कि सुबह रोटी खा रहा था, मैं रोटी खाना नहीं खा रहा, आपने क्यों कहा था मेरे से खाना खा लो, है क्यों देख रहे हो मेरे को, आज फिर तुम दिखने वाले हो, देख भी मिल लो साम दाम दंड भेद, आपकी जेड प्लस सी गोटी तो मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हो गया कि गोली भी खप जाए तो कोई दिक्कत नहीं। की वो बनते हैं ना माला जपते हैं, मैंने तो योगी योगी का नाम बनवा रखा है, मैंने सबरा जीवन दे दिया, सबरा जीवन, मैंने कहा मेरा सबरा शरीर योगी जिनके नाम है। जैसे ही रैली समाप्त हुई हमने यहाँ लोगों से बातचीत भी करी, वहीं एक भीड़ में हमें ये भैया मिले जो ये बोल रहे हैं योगी जी हमारे लिए भगवान हैं, और आप देख सकते हैं इन्होंने अपने हाँ शरीर पे योगी जी की तस्वीर बना रखी है, और क्या हाँ पीछे योगी जी का नाम भी लिखवा रखा है, और आप देख लिए देखिए इन्होंने हाँ यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया आपने, योगी योगी। माननीय सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि हर बार तुम रैली में आते हैं और मैं आता हूँ, मैं निराश होकर घर पे चले जाता हूँ, कि जब मेरे को मीडिया वाले ले गए पल्ली साइड को, उन्होंने इंटरव्यू में फंस गया था पुलिस वालों से, तो उन्होंने मेरे को आने नहीं दिया। मैंने तो सीएम साहब एक बार तुम पहले आए थे तब मेरे कपड़े लेके गए, पर आज मैं सीएम साहब कपड़े वापस जा रहे हैं मेरे, दोबारा से फिर बताओ। कोशिश करूंगा गोरखपुर मिल जाओ, कैसे मिल जाओ, आप सुबह बोल रहे थे कि सपने में कि तू बाट नहीं आ रहा और मैं आया तो मिलके भी नहीं गए। सीएम साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, कैसे भी मिल लो साम दाम दंड भेद, आपकी जेड प्लस सी गोटी तो मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हो गया कि गोली भी खप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टमार्टम होगा तो भी डॉक्टर कहेगा योगी, मरते मरते जब भी तुम्हारा डाव है, पर कोशिश ना हो पाई क्योंकि मैं पल्ली साइड में था, पुलिस ने नहीं आने दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तीसरा ट्राई मारूंगा नहीं तो गोरखपुर जाऊंगा। पहला ट्राई कहाँ मारे थे, कहाँ गए थे? पहले मैंने मारा था ट्राई वहाँ पे हुनर हाट में, तो मेरे कपड़े लेके गए थे वो, मैं कपड़ा लेके गया, तो आज मैं सोच रहा था आज मिल के जाएंगे और देखते हैं, पर मैं भी मान रहा हूँ सी एम है, इन्हें मीडिया वालों मेरे को साइड में ले गए और उन्होंने मैं फंसवा दिया वहाँ पे, उनको पुलिस वाले मेरे को बहुत टॉर्चर किया, सीएम साहब कोई दिक्कत नहीं या फिर ऐसा बता दो, क्या टॉर्चर किया पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने मेरे से कहा था चल हट पर एक हूँ, मेरे को या फिर ऐसा बता दो सीएम साहब मैं नहीं आया करूँ, आप रैली में क्यों सपने में दिखते हो, आप ही तो मेरे को बुला रहे हो कह के कि आप आओ मार्ट में आ रहा हूँ मैं, और आप कल गोरखपुर आए, कल क्यों सपना दिया कि सुबह रोटी खा रहा था, मैं रोटी खाना नहीं खा रहा, आपने क्यों कहा था मेरे से खाना खा लो, है क्यों देख रहे हो मेरे को, आज फिर तुम दिखने वाले हो, देख लो उस दिन मैं आपको हुनर हाट में मिला था तो उस दिन आपने क्या बोला था मेरे से कि तुम रो रहे थे इसलिए नहीं मिला, मैं आज फिर रो रहा हूँ, आज मैंने झोलियाँ पसार ली, क्यों नहीं मिल रहा ये तो बता दो, तुम सबसे मिल क्या, आप रो रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहे हैं वो आप, चलो एक बात मुझे देख के ना उनके आंसू आ जाते हैं कि ऐसा मैंने मेरे लिए भगवान है, मैं भगवान के लिए रो रहा हूँ, एक बार मिलो चलो साम दाम दंड वे, जो तुम रोकेंगे मुझे गोली खानी पड़ेगी तुझे तो मैं गोली खा सकता हूँ। योगी जी आप भगवान मानते हैं, योगी जी को क्यों मानते हैं भगवान? देखो मैंने ना एक मूर्ति भी बनवाई है योगी जी की, अच्छा? हाँ उसके मैं रोज पूजा करता हूँ, पर मैं मूर्ति को क्यों नहीं लेके आया कि लोग बाग आते हैं जो पीए है ना उनका वो पीए ले जाएगा, मेरे को दे नहीं, मैं उसको मूर्ति को देना नहीं चाहता, और मेरी ये टून देख लो, ये मेरा फोन आ रहा तो यही बजती है, और इसमें सबसे देखो और ये देखो मेरा फोटो लग रहा है, ठीक है, और मेरा फ़ोन में भी ऐसी आदत पड़ गई है फ़ोन को भी, तो योगी सीएम साहब का फ़ोटो लग रहा है और इसमें पासवर्ड भी है योगी योगी डाल दो आप तो तुरंत खुल जाएगा, ये खुल गया, ठीक है, और मैं सीएम साहब हाथ जोड़ करो कैस्टा, चाहे मुझे नखलवाना पड़े चाहे आपका प्रशासन आ जाए चाहे जेड प्लस सी कोटी आ जाए, सिर्फ दो चीज़ें पे आऊँगा, या तो डेड आएगी मेरी वहाँ से एम्बुलेंस में, या फिर मैं आपसे मिल के ही आऊँगा, और जहाँ तक कि मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को गोरखपुर में रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी रख लो, मुझे खाली पेट के लिए रोटी मिल जाए रहने के लिए, रह के करोगे साथ में? नहीं मेरे को कुछ नहीं, मेरे को ना तो मेरी अभी शादी हुई, तो योगी जी को भगवान मानते हो, क्यों मानते हो, मतलब क्या कुछ रीज़न तो होगा ना? रहना ये सीएम ऐसे है जिनके अंदर घमंड नहीं है, पर मैं आस लगा के हर बार आता हूँ कि मैं मिलूंगा, पर भीड़ की वजह से या फिर कैसे भी समझ लो मैं पल्ली साइड में टू स्टार जी ने पकड़ लिया, और मैं विनम्र निवेदन कर रहा था, मैं काफ़ी दूर था, कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पे दिखाएं एक बार, मैं वहाँ पे फंस रहा था बहुत तेज और मैं नहीं आ पाया, पर वो चले गए कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ के आगे प्रेशर यही होगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि वो हर संडे को गोरखपुर आते, मैं वैसे ना नेटवर्क का काम करता हूँ जिसका, और सीएम साहब मैंने गोरखपुर में एक एसी वाले भैया से बात कर ली है कि वो कह रहे थे 1 किलोमीटर उनका मंदिर है, चलो एक बात हो तो तुम वहाँ पे आते हो, वहाँ पे इतने भी मुझे पता चलेगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, तो
मैं किसी मंदिर वाले से पुजारी से मिलूंगा, चाहे पैरन में साफ ही ढाड़ दूं, वो एक बार दर्शन जरूर कराएंगे। हाँ इतना जरूर है, जब मैं आपसे मिल जाऊंगा ना, आप देखते रह जाओगे, आपको वो चीज़ लेके आऊंगा। जब तुम 2022 में सीएम बनोगे ना, एक बार खाली मिल लेना। बनेंगे सीएम आपकी बार? बनेंगे बिल्कुल। हमको नहीं लगता नहीं बनेंगे इस बार। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सीएम साहब नहीं बनेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने तो जहाँ तक की भी जो राधे राधे कृष्ण कृष्ण की वो बनते हैं ना, माला जपते हैं, मैंने तो योगी योगी का नाम बनवा रखा है। मैंने सबरा जीवन दे दिया, सबरा जीवन, मैंने कहा मेरा सबरा शरीर योगी जिनके नाम है। और बताओ नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा फिर ट्राई मारूंगा, पैसा खर्च हो रहा है होने तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तो सफलता हासिल होगी ही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनम्र कि ये चीज़ मेरी मीडिया के जरिए सीएम साहब को पहले भी पहुँच चुकी है, अब भी है, पर सीएम साहब पता नहीं सपना दे रहे पर मिलते क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। राजनीति वोट बैंक में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना इस वजह से। एक बात होता, चलो मैं मान रहा हूँ, अब मैं भी तो तुम्हारा सपोर्ट रहूँ कि मैं भी तो तुमको कुछ चाहता हूँ, तुम नहीं मिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर तो आते रहते हो ना भाई, रविवार को तुम गोरखपुर आते हो, और तुम्हारे चलो ये भी मैं चलो तुम्हारी कैंसिल है, गोरखपुर क्यों नहीं आओगे? गोरखपुर में देखो हर नवमी जो नवरात्रि स्टार्ट होती है तो गोरखपुर वहाँ आते हैं, ठीक है। और तुम्हारे नखलाओं में कालिदास है, मैं वहाँ पे चले आऊँगा, सुबह मथुरा से, शाम को मथुरा से जाती है, 12 बजे उतार देगी सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तुम एक बार मिल तो लो, कैसे हो मिल रहे हो, कैसे हो कैसे हो, यदि तुम लोग कहना देख ले भाई तेरे को मैं पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो मेरे पास है नहीं है, किडनी ले लेना चलो हटाओ उसको बेच दूंगा, और बताओ दिल ले लो, शरीर का एक अंग बेच दूँ काम आ जाए तुम्हारे, पर तुम टेंशन मत लो। तुम एक संग मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैरों को एक बार छुपा लो, यदि मुझे तीन चीज़ मांगनी है आपसे दे देता हूँ। पहली चीज़, मैं आपसे कोई जॉब नहीं मांगूंगा सरकार, नहीं मुझे कोई लोभ लालच है कि आप मेरे को पैसा दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ मैं आपके पैर स्पर्श करना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ आपके जो पैरों को धोकर के उसके चिन्ना मिर्च लगाना चाहता हूँ, तीसरी चीज़ आप देना चाहते हो वास्तव में, मना तो नहीं करोगे, पैसा की वाली चीज़ नहीं, आप किसी बार मिट्टी वाले स्थान पर खड़े हो जाना, जो आपके पैर बन जाए ना वो चीज़ दे देना, वो जीवन भर तक मैं आपकी पूजा करूँगा। और मैं इतना जरूर है, मुझे सचिन सर का फैन है, ऐसे ही हर रैली में मैं आया करूँ तो आप मेरे को एक बार मंच